हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल bankersatda.com, जो है सरकारी नौकरी का डर आप सब लोगों का डर। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 30 क्वेश्चंस टू 30 मार्क्स। 30 क्वेश्चंस रहेंगे और लेवल बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बट लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा स्टूडेंट्स। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लोग का स्कोर अच्छा जाएगा, 25 प्लस तो एटलीस्ट आप लोगों को स्कोर करना चाहिए। एंड फॉर ईच क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू 30 सेकेंड्स। और अगर आप समय के भीतर कर ले रहे हो, इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, इट मीन्स दैट यू आर परफॉर्मिंग बहुत बढ़िया। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक सो एवरीबडी इज़ कनेक्टेड टू मी। लेट मी चेक इट आउट हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी देयर विद मी, एंड यू हैव टू गिव मी थम्स अप इफ माई वॉइस इज ऑडिबल। इफ माई वॉइस इज ऑडिबल, गिव मी थम्स अप। येस मैम, यू आर ऑडिबल। एंड इफ वंस आई एम ऑडिबल, तो बढ़ते हैं अपने 30 क्वेश्चंस के साथ में। येस मैम, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। येस ऑडिबल, ऑडिबल, हाँ, हाय, हेलो एवरीबडी। विकास आना फास्टर, रतन, पूजन, तपस्विनी, विकास, स्वाति, दीपिका, इलोरी, इलोरी यार फर्स्ट टाइम टू द क्लास आई थिंक सो, विशु, अभिषेक, मेहता, अर्जुन, सत्य, वीर, दिन बंधु, हाँ, बाहुबली, तपस्वी, फ्री फाइटर, किशन एंड रीमा अवसरंगी। लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। चलो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। और ये पहला आप लोगों को करना क्या है, आज के सेशन में 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स होंगे, तो एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चंस करने होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, तो एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलेगा आप लोगों को, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मिलेगा 30 सेकंड्स। जल्दी से बताना है, आर यू गाइज रेडी फॉर द स्पीड टेस्ट, जल्दी से बताना है। यस, इफ यस गिव मी थम्स अप। यस मैम वी आर रेडी, राइट इन द कमेंट सेक्शन। यस मैम वी आर रेडी, एंड वंस यू आर रेडी वी आर गोइंग टू बिगिन दिस सेशन, राइट? ओके, डन। चलो डन, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ जनरल रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल दोज हु आर लुकिंग फॉर स्टडी मटेरियल, मेक श्योर दैट यू हैव टू विजिट data247.com एंड यू हैव टू अप्लाई दिस कूपन कोड Y180 टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट? तो आप लोगों को कूपन कोड लगा देना वहाँ पर Y180, और टेस्ट सीरीज खरीद लो अगर नहीं अवेल करिए तो। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट यू शुड गो थ्रू द डायरेक्शंस वेरी प्रॉपरली, एंड ऑल दोज हु आर न्यू, मेक श्योर कि दो सेशन आते हैं, एक 3 PM पर आता है और एक 9 PM पर आता है, मंडे टू सैटरडे। लेट्स बिगिन विद ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फोर वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड, द फोर वर्ड्स मे और मे नॉट बी इन द करेक्ट पोजिशन। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को जो स्टूडेंट्स दिया गया है वो क्या करना है, वर्ड स्वैप या बोले तो वर्ड रिप्लेसमेंट दिया गया है, एंड फॉर ईच क्वेश्चन यू विल गेट 30 सेकेंड्स, राइट? तो आई होप सो तुम सब लोग तैयार हो। येस वी ऑल आर रेडी, तो चलो भाई हम सब लोग तैयार है। पहला रहा ये क्वेश्चन, आई विल बी क्वाइट, और जल्दी से बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, और टाइम भी शुरू होता है अब। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया अंजय ने, उसके बाद दिया किशन कुमार ने, वेरी गुड, सबसे पहले उसके बाद पूजा ने, तो पहला आंसर दिया अंजय के। जैन की परफॉर्मेंस हर बार की तरीके से बहुत बेहतरीन है। चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द फॉलोइंग कम्स आफ्टर स्टूडेंट्स वर रिपोर्टेडली फाउंड कंज्यूमिंग, क्या कंज्यूम कर रहे थे, अल्कोहल ही कंज्यूम करा जाएगा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अल्कोहल एंड टेकिंग ड्रग्स इन साइड द कैंपस, डिसीजन विच द एडमिनिस्ट्रेशन हैड, हैड के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट यार, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लोगों को यहां पर द लगा हुआ है, द के बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, बोलो क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, ठीक है। यहां पर हैड लगा था, ये वर्ड को रिप्लेस करना है, हैड के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, कंज्यूमिंग तो आ नहीं सकता था, ना ही फॉलोइंग आ सकता था, यानी हैड की जो पोजीशन है वो बिल्कुल बढ़िया गया, ना तो ये होगा ना तो हमारा ये होगा, ठीक है। तो यहां पर हमको नाउन चाहिए, तो नाउन क्या हो जाएगा, यहां पर डिसीजन हो जाएगा, द डिसीजन, यानी कि हमको रिप्लेस करना पड़ेगा फर्स्ट को, और थर्ड को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, रिप्लेस करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। द डिसीजन जो आया है कम्स आफ्टर द स्टूडेंट्स वर रिपोर्टेडली, उनको लगातार पाया जा रहा था वो क्या कर रहे थे, फाउंड कंज्यूमिंग एल्कोहल एंड टेकिंग ड्रग्स इन साइड द कैंपस, फॉलोइंग विच, जिसकी वजह से क्या हो गया, द एडमिनिस्ट्रेशन हैड रेगुलेटेड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
समय खत्म हो गया। सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड पालक गोयल, कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपिका, वेरी गुड। दीपिका पालक ने सबसे पलक ने सॉरी सबसे पहले आंसर दिया, सॉरी पलक ने सबसे पहले आंसर दिया, एब्सोल्युटली बढ़िया। चौकस मेजॉरिटी ने जो आंसर दिया, बिलीव मी एवरीबडी, आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर सब कह रहे हैं 111, वेरी गुड परफॉर्मेंस आप लोगों की। लिखा हुआ यहाँ पर 1 और 4 करेक्ट आंसर्स होगा। लिखा हुआ इन द केस ऑफ व्हाट्सएप पे इट्स मिस यूज कंपनी फेसबुक हैज कम अंडर स्क्रूटनी फॉर हार्मफुल कॉन्टेंट, लैक ऑफ प्राइवेसी एंड डेटा इन रिसेंट ईयर्स। इन केस ऑफ व्हाट्सएप पे इट्स पेरेंट कंपनी, मेन कंपनी की जब बात करते हो, है ना। इन द केस ऑफ व्हाट्सएप पे इट्स पेरेंट कंपनी, किसकी बात करो, फेसबुक हैज कम अंडर स्क्रूटनी फॉर हार्मफुल कंटेंट, लैक ऑफ प्राइवेसी एंड डेटा का क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है इन रीसेंट ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और आज 30 की 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने, एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया है हमको दीपिका ने, वेरी गुड दीपिका। बट उससे पहले आंसर दिया पलक गोयल ने, पलक वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया पलक ने, फिर दीपिका ने, पलक की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और जिन्होंने स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दिया वेरी गुड, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। लिखा हुआ इंडियन सिटीज आर अट्रैक्टिंग, इंडियन सिटीज आर लिखा हुआ, अट्रैक्टिंग लिखा, दैट इज करेक्ट। आर के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, दे आर डांसिंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जैसे बोलते हैं ए इज एम आर के साथ वर्ब की आई एन जी फॉर्म, यहाँ कि तो सही लग रहा है। इंडियन सिटीज क्या कर रही है, आर अट्रैक्टिंग किसको, हैवी इन्वेस्टमेंट इन सेवरल स्फीयर्स, बट स्टेट एंड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होगा यहां पर, हैव नॉट मैच देयर एम्बिशंस, किस लिए, एम्बिशंस फॉर डेवलपमेंट विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। यहाँ तक कि सही लिखा था। यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट होगा वो 2 और 3 का होगा। क्यों होगा, क्योंकि बट स्टेट एंड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं, बट स्टेट एंड म्युनिसिपल यहाँ पर हैव लगा हुआ है, किसकी बात कर रहे हो, स्टेट और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस हैव नॉट मैच देयर एम्बिशंस, किस लिए, फॉर डेवलपमेंट विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Let me check it out, who is going to answer this first. Rahul Sharma, for that you have to join paid batches. वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया है दीपिका ने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले दिया आंसर स्टडी 24 बहुत बढ़िया नाम रखा हुआ है, वेरी गुड परफॉर्मेंस। उसके बाद दीपिका, उसके बाद मनीष, उसके बाद बाहुबली, उसके बाद पलक, उसके बाद किशन, उसके बाद प्रियंका, वेरी गुड रूही, वेरी गुड परफॉर्मेंस तुम लोगों की। चलो भाई देखो करना क्या है यहाँ पर, बेसिकली हम लोग वर्ड रिप्लेसमेंट यहाँ पर कर रहे हैं जो लोग बाद में जुड़े हुए हैं। चलो देखो लिखा हुआ है दी एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन देखो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्वॉल्व ईडी है, ये भी ईडी है, और हमको द के बाद हमेशा क्या लगाना होता है, नाउन लगाता है, और जिन भी वर्ड्स क्लास में शन आता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स नाउन होते हैं, ठीक है। दी एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड ट्राइड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, हैड ट्राइड क्या कोशिश करी उन्होंने, टू इम्प्रेस, क्या करने की, टू इम्प्रेस अपॉन द कोर्ट अनप्रीसीडेंटेड, इसका मतलब होता है अभूतपूर्व, इसका मतलब क्या होता है, अभूतपूर्व, ठीक है। अनप्रीसीडेंटेड का मतलब क्या होता है, अभूतपूर्व, एक्सेप्शनल जिसे बोलते हैं, लार्ज स्केल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज यानी डिफिकल्टीज जो इन्वॉल्व्ड है इन द एनआरसी प्रोसेस, जो इन्वॉल्व्ड है किसमें, एनआरसी के प्रोसेस में,
ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग जो रिप्लेस करेंगे वो 3 और 4 को। स्टूडेंट्स आज एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रैपिड फायर सेशन है स्टूडेंट्स, है ना। तो आज हम लोगों को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के समय विद इन स्टिपुलेटेड टाइम यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। चलो, और प्रैक्टिस अगर आप लोगों को करनी है, अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन डिटेल में चाहिए होगा तो 3 PM वाला सेशन ज़रूर देखो, ठीक है। वहाँ पर हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर हम लोगों की प्रैक्टिस हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा आप लोगों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पीपल हु वर्क ऑल द टाइम एंड लीव नन फॉर विल फाइंड देमसेल्व्स बोथ बोर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड सिंस फन इज अ की पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आंसर्स आने की, सबसे पहले आंसर दिया है, लेट मी चेक इट आउट। नो करेक्ट आंसर्स फ्रॉम योर साइड, नो करेक्ट आंसर्स यहाँ पर। वेरी गुड कृतिका ने करेक्ट आंसर दे दिया है, वेरी गुड कृतिका, वेरी गुड दीपक, वेरी गुड श्रीजंका कुमार, राइट। सबसे पहले यहाँ पर आंसर दिया है कृतिका ने, वेरी गुड परफॉर्मेंस, और देखिए आज का विनर कौन होने वाला है, ठीक है। चलो लिखा, पीपल हु वर्क ऑल द टाइम एंड लीव नन टाइम फॉर, यहाँ पर मतलब क्या, पीपल हु वर्क सारा टाइम करते हैं और कुछ भी समय नहीं छोड़ते हैं, किस लिए, डैश विल फाइंड देमसेल्व बोथ बोर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, क्या हो जाएंगे, बोर्ड भी हो जाएंगे फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाएंगे, सिंस फन इज अ की पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफ। वो समय नहीं छोड़ते हैं, किस लिए नहीं छोड़ते हैं, नाउन चाहिए हमको, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब देख लो क्या होता है, पीपल हु वर्क ऑल द टाइम एंड लीव नन फॉर रिक्रिएशन विल फाइंड, भैया अगर वो नहीं करेंगे कुछ और एक्टिविटी फॉर फन नहीं करेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, विल फाइंड देमसेल्व्स बोर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी जो एन्जॉयमेंट के लिए की जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो पीपल हु वर्क ऑल टाइम एंड लीव नन टाइम फॉर रिक्रिएशन, यानी अपने फन के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, विल फाइंड देमसेल्व बोथ, ये हो जाएंगे, ठीक है। रिक्रिएशन विल बी योर करेक्ट आंसर, एक्टिविटी डन फॉर एन्जॉयमेंट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन बोलते हैं। आई होप सो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड फॉर दिस let me check it out who's going to answer this first. Okay Sakshi, that's good. Very good, very good, very good, very good, very good, very good, very good. नो करेक्ट आंसर्स फ्रॉम योर साइड, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकेंड है, अमन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, नो करेक्ट आंसर्स, नो करेक्ट आंसर्स। खुशी खुशी तुम लोग इतना खुश हुए जा रहे हो कि कुछ भी लगा दे रहा, कुछ भी लगा दोगे तुम लोग। वेरी गुड, बाहुबली ने करेक्ट आंसर सबसे पहले इसका दिया है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी तुम लोगों की बहुत घटिया परफॉर्मेंस, बाहुबली ने बाजी मारी है, वेरी गुड। चलो भाई देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। द जिमनास्ट होप दैट शी कैन डैश अ परफेक्ट परफॉर्मेंस इन नेक्स्ट वीक कॉम्पिटिशन। पिवोटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, राइट। पिवोटल का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। जिमनास्ट होप दैट शी कैन इंपॉर्टेंट हर परफेक्ट, तो कैसे तुम लोग इंपॉर्टेंट ये कैसे लगा दे रहे हो, कैन इंटैंगल्ड, भाई ईडी कैसे आ सकता है, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। द जिमनास्ट होप दैट शी कैन डैश हर परफॉर्मेंस, वो कर सकती है ना, तो इंटैंगल्ड कैसे लगा दिया, कैसे बी लगा सकते हो यार, इंटैंगल्ड कैसे लगा दिया तुम लोगों ने, भाई बी तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। मैलाडी का मतलब क्या होता है, डिजीज, है ना, इसका मतलब क्या होता है, मालादी, मालादी को क्या हो गई है, डिजीज हो गई है, कल ही हम लोगों ने ये वर्ड याद करा, तो ऑप्शन नंबर ई विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। द जिमनास्ट होप दैट शी कैन, वो क्या कर सकती है, दोबारा से रिपीट कर सकती है परफेक्ट परफॉर्मेंस, कब, नेक्स्ट वीक का जो कॉम्पिटिशन है उसमें। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा चीजें। चलो चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो क्या कर सकती है, रिपीट कर सकती है। अब करना क्या है, यहां पर हाईलाइटेड वर्ड दिए गए हैं, उसको आप लोगों को फ्रेज लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस करना होगा। बेसिकली देख लो क्या करना हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से लिखा हुआ है, आप लोगों को बताना है यहाँ पर करेक्ट क्या होगा। एंड फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7 एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके जानू सिंह, दैट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया यहाँ पर विशु यादव ने. वेरी गुड विशु, वेरी गुड परफॉर्मेंस विशु की. वेरी गुड दीपिका, दैट्स नॉट करेक्ट. विकास, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. स्टडी 24 एनजे. चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, समझना यहाँ पर. चलो देखो लिखा हुआ है, वॉकिंग हैज डिस्टिंक्टली एडवांटेजेस ओवर ड्राइविंग. जो वॉकिंग है, ये वहां पर, यहाँ पर वॉकिंग क्या है, वर्ब क्या, आईएनजी फॉर्म, जो नाउन की तरीके से एक्ट कर रही है उसे अच्छे शब्दों में और करेक्ट वर्ब क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं. ठीक है, वॉकिंग हैज डिस्टिंक्टली एडवांटेजेस ओवर ड्राइविंग एज यू सी मेनी थिंग्स वाइल वॉकिंग. यू ऑफन मिस वाइल वॉकिंग दैट यू ऑफन मिस वाइल्ड ड्राइविंग. जब ड्राइविंग करते हैं तो हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, बट अगर वॉक करते हुए जाते हैं तो हर चीज़ का मजा लेते हैं, है ना. वॉकिंग हैज डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस, हैज डिस्टिंक्ट, कोई नाउन की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ की बात कर रहे हैं, है ना. तो वॉकिंग के क्या है, एडवांटेजेस यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा, एडवांटेज होगा, हैज डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस. ठीक है, आप देखो यहाँ पर हैज़ क्यों लगाया हुआ है, हैज़ इसलिए लगाया हुआ क्योंकि वॉकिंग क्या है, सिंगुलर है, ये हटा दो. वॉकिंग इज नहीं होगा, हैज क्योंकि टेंस सही है तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे. ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा, नाउन है, एडवांटेजेस. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, हमारा एडजेक्टिव होना चाहिए. तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग हैज डिस्टिंक्ट क्या है, एडवांटेजेस है ओवर ड्राइविंग एज यू सी मैनी थिंग्स वाइल वॉकिंग दैट यू ऑफन मिस वाइल ड्राइविंग. ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. गॉट इट, वॉकिंग हैज क्या है, डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस है ओवर ड्राइविंग एज यू सी मेनी थिंग्स वाइल वॉकिंग दैट यू ऑफन मिस. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. दीपिका वेरी गुड परफॉर्मेंस, कृतिका वेरी गुड परफॉर्मेंस, दोनों का स्कोर सेम है, वेरी गुड. हाफ प्रिपेयर्ड कर दोगे, बी कर दोगे. नो 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 करेक्ट आंसर्स फ्रॉम योर साइड. सबसे पहले आंसर दिया है किशन कुमार ने, दैट इज वेरी ब्रिलियंट किशन, वेरी गुड परफॉर्मेंस. चलो अच्छा आ जाओ, आप देखते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है. हैव कैसे लगा दोगे, समझना मेरी बात, कोई बात नहीं, हर एक चीज़ समझाएंगे, हर एक चीज़ तुम लोगों को समझ में आ जाएगी. भाई साहब देखो, भाई भाई साहब देखो, ही टर्न डाउन आर प्रपोजल, उसने रिफ्यूज कर दिया. टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज कर दिया है. आर प्रपोजल विच वी प्रिपेयर बाय सो मच डेडिकेशन. टर्न डाउन पास्ट में लिखा हुआ है, ये भी किस में लिखा हुआ है, पास्ट में लिखा हुआ है. और यू नो इट वेरी वेल, वेन एवर यू सी टू कंडीशन दैट इज रिप्रेजेंटिंग पास्ट देन यू हैव टू सी विच एक्शन हैज टेकन प्लेस फर्स्ट. द एक्शन विच टेक्स प्लेस फर्स्ट शुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपली मीन्स दैट यू हैव टू यूज हैड विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द अदर एक्शन शुड बी इन सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस सिंपली मीन्स दैट यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. राइट, इन दिस सेंटेंस अगर हमने आप लोगों से पूछा कौन सा काम पहले हो रहा है, ही टर्न डाउन आर प्रपोजल विच वी प्रिपेयर बाय सो मच डेडिकेशन. तो यहाँ पर पहले काम कौन सा हो रहा है, प्रिपेयर करने का हो रहा है या रिजेक्शन का हो रहा है. पहले हमने प्रिपेयर करा है, तो पहले हमने प्रिपेयर करा है तो हैड के साथ वी थ्री लगाओ. हैड के साथ वी थ्री यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ. हैड प्रिपेयर्ड विद यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ. क्या हो जाएगा, ही टर्न डाउन, उसने रिजेक्ट कर दिया आर प्रपोजल विच वी हैड प्रिपेयर्ड, हम लोगों ने जो हैड प्रिपेयर्ड विद सो मच डेडिकेशन. गॉट इट, पहले हमने प्रिपेयर्ड करा उसके बाद हमको रिजेक्शन मिला. तो जो काम पहले वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में वो क्या हो जाएगा, टर्न डाउन. यहाँ पर वी टू लिखा हुआ है, टर्न डाउन वी टू लिखा हुआ, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और तेजी जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा. लेट मी चेक इट आउट, वी आर गोइंग टू आंसर दिस फर्स्ट. हाँ आकाश यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट.
वेरी गुड, रमेश पटेल ने सबसे पहले आंसर दिया, बट दैट्स नॉट करेक्ट, दैट्स नॉट करेक्ट। वेरी गुड, अंजय ने सबसे पहले आंसर दिया, दैट्स वेरी गुड अंजय। फिर पूजा खरे ने दिया है, फिर किशन ने दिया है, वेरी गुड अंजय, परफॉर्मेंस तुम्हारी वेरी गुड। ऑल दो फैमिली टीवी सीरियल्स डू वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, डू वेरी, दे हैव सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स। अगर हम यहाँ पर वेरी का इस्तेमाल करें तो क्या कोई अर्थ दे रहा है? ऑल दो, हालांकि, अगर हालांकि ऑल दो लिखा होता है, आगे कॉमा लगा होता है, ये तो सही लिखा हुआ है। ऑल दो फैमिली टीवी सीरियल्स डू वेरी, डू डिफर करते हैं, तो यहाँ पर ये वेरी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेरी होना चाहिए। दे हैव सर्टेन, कुछ तो है ना यार, वो वेरी करते हैं, डिफर करते हैं, बट दे हैव कुछ चीज़ें क्या हैं, कुछ क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है। ऑल दो फैमिली टीवी सीरियल्स डू वेरी यहाँ पर होगा, क्या करते हैं, डू वेरी करते हैं, दे हैव सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स। अच्छा, वेरी, अगर हमने यहाँ पर सिर्फ वेरी लिखा होता, दैट विल ऑल्सो भी करेक्ट। ऑल दो फैमिली टीवी सीरियल्स वेरी, डिफर करते हैं, दे हैव, लेकिन फिर भी क्या होता है, दे हैव सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स। यहाँ पर वेरी, जैसे हमने बोला रीड द न्यूज़पेपर और हमने बोला डू रीड द न्यूज़पेपर, तो डू इज यूज टू जस्ट एम्फेसाइज समथिंग। अगर हमने बोला यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है, रीड द न्यूज़पेपर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सीखे। अगर हमने बोला डू रीड द न्यूज़पेपर तो भी सही है, क्योंकि हम तुमको यहाँ पर क्या करें, एम्फेसाइज करें कि भाई तुम्हें रीडिंग करनी है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, बढ़ने से पहले, आप लोगों को सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर दो, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, इंग्लिश बाय आयशा रशीद AISHA डालना, जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। अभी हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस करे हैं, अभी तो बहुत 21 क्वेश्चंस और रह गए हैं, जल्दी से करना है तुम लोगों को, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस चाहिए होंगे तुम लोगों को, तो तुम लोगों को लाइक तो करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। वैसे आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज कि तुम लोग पहले से लाइक कर देते हो, और हमें कहना नहीं पड़ता, उसे पहले तुम लोग कर देते हो, इसके लिए बहुत सारा स्टूडेंट्स थैंक यू। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बेसिकली आप लोगों को एरर बतानी है। फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, लेट मी चेक इट आउट, वी आर गोइंग टू आंसर दिस फर्स्ट। इसमें बताना वर्ड, लिखना, डोंट राइट पार्ट ABCD। जानू सिंह जल्दी से आंसर देना है, दैट्स ब्रिलियंट फ्रॉम योर साइड, वेरी गुड, बट आई वॉन्ट दैट यू हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर वर्ड विच यू फील दैट इट इज इनकरेक्ट। नो वन फ्रॉम योर साइड, मेक इट फास्ट टू राइट विच इज द इनअप्रोप्रिएट वर्ड ओवर हियर। मेजॉरिटी ऑफ यू आर राइट, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट वॉट यू गाइज आर राइट। वेरी गुड, काजल ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इलावरसी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ यहाँ पर देख लेते क्या लिखा हुआ है। दे नेवर थॉट, कभी सोचा नहीं था, दैट राजा वॉज ओल्डेस्ट दैन अदर प्रोफेसर्स इन द फैकल्टी। यहाँ पर दैन लगा हुआ है, ठीक है, दैन के साथ में भाई साहब हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आती, कौन सी डिग्री आती, कंपैरेटिव डिग्री आती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओल्डर हो जाएगा। अगर एल्डर में और ओल्डर में डिफरेंस कोई पूछेगा तो तुम लोगों को क्या बताना होगा, एल्डर जो होता है वो सेम फैमिली के लिए यूज़ होता है, किसके लिए होता है, सेम फैमिली के लिए स्टूडेंट्स यूज़ होता है एल्डर, और एल्डर के साथ में हमेशा टू लगता है, यू आर एल्डर टू माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, राइट, माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, बिकॉज यहाँ पर इन द सेंटेंस यू कैन सी दैट वी आर आई एम of my brother, it means I'm showing blood relation, and whenever you see कि वहाँ पर blood relation है, or if you're talking of the same family in that situation you have to use elder, but there is exception, and the exception says that if you're talking of senior citizens in that case you can use elder, this is exception for senior citizens, हम लोग क्या लगा सकते हैं, elder का इस्तेमाल कर सकते हैं, that is we should respect our elders, this sentence is absolutely correct, और older के साथ में हमेशा क्या लगता है, students than लगता है। I hope so तुमको ये concept clear हो गया होगा। चलो तो यहाँ पर हम लोगों की error तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, next question है, next question के लिए time शुरू होता है अब।
साहेब बिटवीन का यूज क्या होता है, तो टू आता है या एंड आता है? साहिल, फॉर बिटवीन वी ऑलवेज हैव टू यूज एंड, बट फ्रॉम आता है तो उसके साथ में टू लगता है. ठीक है, अब सुनो मेरी बात को. हाँ, जिसने आंसर दिया, आई मिस्ड इट. इट गोज टू हिज क्रेडिट दैट ही वॉज अ क्लीन मैन इन पॉलिटिक्स एज वेल हैज हिज पर्सन डीलिंग्स. पर्सन का मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य. और यहाँ पर बात कर रहे हैं निजी, खुद की, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पर्सनल होना चाहिए. ठीक है, क्या होना चाहिए? पर्सनल. अच्छा, जो कर्मचारी वाला पर्सनल होता है उसकी स्पेलिंग लिखो. स्पेलिंग टेस्ट भी तुम लोगों का यहीं पर ही हो जाता है. जो कर्मचारी वाला पर्सनल होता है, IBPS में जो पर्सनल आता है उसकी स्पेलिंग जल्दी से लिखो क्या होती है. लेट मी चेक इट आउट. वी आर गोइंग टू राइट फर्स्ट. सबसे पहले कौन लिखने वाला है यहाँ पर? वो जो कर्मचारी वाली स्पेलिंग होती है IBPS के जो एग्जाम होती है. हाँ, वो यू आर राइट. पता जल्दी से वेरी गुड. सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है, इट इज, किसने दिया है? अंजय ने दिया है. दैट्स वेरी ब्रिलियंट. करेक्ट स्पेलिंग लिखी है. फिर दीपिका ने लिखी है, वेरी गुड. विशु ने लिखी है, वेरी गुड, वेरी गुड. देखो ध्यान से सुनो क्या होती है. पहले लिख लिया करो पर्सन. ठीक है, पर्सन. और उसके बाद NEL लगाया जाता है. क्या लगाया जाता है? इसका मतलब होता है कर्मचारी. ठीक है, एम्प्लॉय जिसे बोलते हैं. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है? ये रीडिंग को आई मीन ये क्या लिखा हुआ है? पैसेज लिखा हुआ है. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैसेज करना कैसे. आप लोगों को यहाँ पर ए लिखा हुआ है. इस तरीके से आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए. प्रति एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को मिलेगा मात्र 30 सेकेंड्स का टाइम. फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओ कृतिका, दैट्स ब्यूटिफुल. यू आर रेगुलर स्टूडेंट, यू शुड नॉट माइंड इट. वेरी गुड. एंड द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय पूजा. पूजा, दैट्स ब्रिलियंट. सबसे पहले आंसर दिया है दीपिका ने, एंड उसके बाद आंसर दिया है. ओ नो, दैट्स नॉट करेक्ट एक्चुअली. नो करेक्ट आंसर्स फ्रॉम योर साइड. नो करेक्ट आंसर. नो करेक्ट आंसर्स. वेरी गुड. सबसे पहले आंसर दिया है विशु ने. दैट्स वेरी गुड पॉइंट. वेरी गुड, वेरी गुड. यहाँ पर सबसे पहले आंसर दिया है किसने? विशु ने आंसर दिया है. वेरी गुड. उसके बाद रेखा ने दिया है. उसके बाद किशन कुमार ने दिया है. वेरी गुड. चलो देखते हैं. वॉट डज विक्टिम सेंट्रिक मीन इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स रिस्टोरिंग द कॉन्फिडेंस. देखो बेटा, आज से फॉर सेफ वॉट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट प्लेइंग रैपिड फायर. दिस इज जस्ट रैपिड फायर सेशन, सो डोंट उम्मीद दैट आई एम गोना एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, राइट? वॉट डज वी हैव टू डू? बहुत सारे क्वेश्चन ज्यादा भी करने. वॉट डज विक्टिम सेंट्रिक मीन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? इट मीन्स रिस्टोरिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ विक्टिम्स इन द सिस्टम एंड अचीविंग द अचीविंग प्राप्त करना. क्या प्राप्त करने की बात करी हो? अचीविंग द डैश ऑफ जस्टिस इन विच एवर सेंस द आइडिया इज कंसीव्ड. एंड अचीविंग द डैश ऑफ जस्टिस इन विच एवर सेंस द आइडिया इज कंसीव्ड. पर्पस्ड. यहाँ पर हमें नाउन चाहिए. एक्सटॉल. एक्सटॉल का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ. एक्सटॉल का मतलब होता है प्रेज करना. ठीक है, एक्सटॉल. ये तुम लोगों को हमने कल वर्ड याद करवाया था. जल्दी से बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटॉल? एक्सटॉल है, एक्सटॉल है यानी एक्स लंबी है. इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर एजेंडा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? गोल ऑफ जस्टिस इन विच एवर सेंस द आइडिया इज कंसीव. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इन विच एवर सेंस द आइडिया इज कंसीव टू डैश दिस एंड. जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा? एक्सटॉल का मतलब भी बताना है तुम लोगों को. हाँ रूपल, इवन आई डोंट नो व्हाई आई एम लुकिंग ब्लैक एंड व्हाइट दीज डेज. प्रेज करना. वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यू गाइज मर्कन, साक्षी, प्रीतम. प्रीतम चंदा इज नॉट देयर फॉर अ फ्यू डेज, फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज. विशु, ओके, रेखा, वेरी गुड.
चलो अच्छा, यहाँ पर तुम लोगों ने सबने आंसर दिया, सबसे पहले आंसर दिया विशु यादव ने, सबसे पहले आंसर दिया है एनजे ने, उसके बाद विशु ने आंसर दिया है। वंस अगेन एनजे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, आज के विनर आई थिंक सो एनजे हो जाएंगे। उसके बाद विशु की परफॉर्मेंस है, वेरी गुड विशु। चलो आ जाओ, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टूवर्ड हो जाएगा, कंसीव टूवर्ड दिस एंड, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब सी वाला तुम लोगों को बताना है, फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, वंस अगेन अंजय ने करेक्ट आंसर दिया है, फिर विशु, दैट्स नॉट करेक्ट, ओके अंजय, फिर मुन्ना मिहिर ने दिया है, वेरी गुड, अंजय ने आंसर दिया है, फिर मुन्ना मिहिर ने दिया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन विक्टिम्स दिस एंड दिस सिस्टम मस्ट कॉन्फर सर्टेन राइट्स ऑन विक्टिम्स टू इनेबल देम टू पार्टिसिपेट, किसमें पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स, इंक्लूडिंग द राइट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स इन द इवेंट्स इन द एक्टिविटीज, जिसका मतलब होता है प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है, इनेबल देम टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़, ठीक है, प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज़ या इवेंट्स की बात होती है। चलो ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं, एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया मुन्ना मेहर ने, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट मुन्ना, उसके बाद करेक्ट आंसर दिया है पीयूष ने, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, उसके बाद आंसर दिया है दीपिका ने, वेरी गुड दीपिका, ओके वेरी गुड परफॉर्मेंस, सबसे पहले मुन्ना मेहर ने आंसर दिया है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो आ जाओ देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग राइट टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड टू एंगेज इन एडवोकेट इन द सीरियस ऑफेंसेस, द राइट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ, प्रोग्रेस ऑफ किसकी बात करो, प्रोसीडिंग्स की बात करो, तो यहाँ पर हो जाएगा टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ प्रोसीडिंग्स, टू ट्रैक द एक्टिविटीज या इवेंट्स की बात कर रहे हो, टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ जो भी हमने एक्टिविटीज करी हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, लास्ट इस रीअरेंज मतलब पैसेज पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया है यहाँ पर दीपिका ने, दीपिका वेरी गुड, वंस अगेन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, उसके बाद विशु ने आंसर दिया है, विशु बहुत बढ़िया, उसके बाद ज्ञान ने आंसर दिया है, वेरी गुड ज्ञान। अब लिखा हुआ द राइट टू बी हर्ड ऑन क्रिटिकल इशूज एंड टू एजिस्ट द कोर्ट एंड टू हेल्प द कोर्ट इन द डैश ऑफ ट्रूथ इन द चाहत ऑफ इन द सर्च ऑफ, तो उसे क्या बोलते हैं, परसुएट बोलते हैं, परसुएट का मतलब क्या होता है, इन द सर्च फॉर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सर्च फॉर ट्रूथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फिलर्स की तरफ बढ़ते हैं, बताओ यहाँ पर क्या होगा। नहीं कृतिका पॉल, आई कैन सी योर कॉमेंट्स,
वेरी गुड, मुन्ना ने सबसे पहले आंसर दिया है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। वंस अगेन मुन्ना की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, वेरी गुड परफॉर्मेंस तुम्हारी यहाँ पर। चलो उसके बाद दीपाक्षी ने आंसर दिया है, वेरी गुड दीपाक्षी, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया तुम लोगों की परफॉर्मेंस। उसके बाद पलक ने आंसर दिया है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर्स दिए, वेरी गुड। सिंस द कैरेट्स आर प्रेटी लार्ज, बड़ी कैरेट्स है ना, माई मॉम विल प्रोबेबली, वो क्या करेंगे, डैश देम बिफोर पुटिंग देम इन द सैलड मिक्स, सलाद बनाने से पहले वो क्या करेंगे, उसको बड़ी बड़ी वो कैरेट्स हैं तो ऑब्वियसली इनको क्या करेंगे, कट करेंगे, है ना, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, चॉप करना छोटे छोटे पीसेस में, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेट, और जिससे ग्रेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्रेटा बोलते हैं, राइट। प्रोड्यूस, और जो ये क्या होता है, इसको कॉमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना, एक होता है ग्रेटर, एक होता है ये, इसको मीनिंग बताना इसकी क्या होती है, पिलर की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। प्रोड्यूस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसको ग्रेट करेंगे, ड्रैग जार ग्राइंडिंग देम नहीं होगा, उसको क्या करेंगे, विल प्रोबेबली ग्रेट देम, उनको किसके लिए देम लगा हुआ है, कैरेट्स के लिए लगा हुआ है, उनको क्या करेंगी, ग्रेट करेंगी। चलो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, रिड्यूस फूड टू स्मॉल श्रेड्स बाय रबिंग इट ऑन अ ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब आई होप तुम लोग समझ गए होगे क्या होता है, जिस पे रगड़ते हैं, है ना, उसे बोलते हैं ग्रेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 18, एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिंस आई वॉन्टेड टू बर्न कैलोरीज, माई पर्सनल ट्रेनर मेड मी वॉक द ट्रेडमिल एट अ डैश स्पीड। वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स करेक्ट, बट यू डोंट हैव टू टेल ओवर योर, छीलना छीलना छीलना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड उज्जवल रॉय, हाँ वेरी गुड, एक्सिलरेट कर दोगे, एक्सिलरेट का मतलब नहीं मालूम है इसलिए लगा रहे हो पवन, है ना। वंस अगेन मुन्ना ने बाजी है मारी, उसके बाद मुन्ना की परफॉर्मेंस आज बहुत बढ़िया यार, तुम आर यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम्हारी फर्स्ट क्लास है ये। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस दी है हमें अंजय ने, वेरी गुड अंजय, उसके वेरी गुड अंजय, वेरी गुड अंजय, वेरी गुड उमा रानी, उसके बाद उमा ने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अंजय, वेरी गुड परफॉर्मेंस, फिर उमा, वेरी गुड यार। 18 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगे, जितने स्टूडेंट्स बाद में जुड़े हो या ज़रूर लाइक कर देना, पहले लाइक कर दो उसके बाद इसका आंसर बताते हैं। पहले स्टूडेंट्स अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो गिव मी थम्स अप बाय हिटिंग द लाइक बटन, यू हैव टू डू टू थिंग्स इन माई सेशन। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, आज 3 PM पर हम लोगों ने अच्छे लेवल के क्वेश्चन करे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने। But students, this is what you have to do. If you want this type of sessions, make sure that you have to hit the like button. Otherwise, I'll change the sessions very soon. Since I wanted to burn calories, my personal trainer made me walk the treadmill at a high speed. तेजी से speed, तो यहाँ पर lived नहीं होगा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, a adjective चाहिए। ब्रिस्क क्या होता है, adjective होता है। Exhilarate का मतलब होता है बहुत ज़्यादा happy, जिसका मतलब क्या होता है, vibration का मतलब, आप तुम सभी को मालूम है, सम कम जो कंपन होती है उसे बोलते हैं। एक्सिलरेट का मतलब बहुत अत्यधिक खुश, जिसे बोलते हैं ना, फील वेरी हैप्पी, क्या होता है ये, फील वेरी हैप्पी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, ये लिखा है, फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ड्यूरिंग द गैस लीक द फ्यूम सीम्स टू डैश द एंटायर हाउस, सचिन तुम्हारा नाम आएगा, यू हैव टू गिव आंसर, राज ठीक है भाई, तुमने आंसर बोला होगा बट यू आर लेट बोला होगा, जो सबसे पहले बोलते हैं उनके नाम लेते हैं, चलो चलो चलो, वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया है यहाँ पर विशु यादव ने, विशु की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, विशु की परफॉर्मेंस, वेरी गुड विशु। उसके बाद आंसर दिया है मुझे विशु के बाद दिया मुन्ना ने आंसर, मुन्ना की परफॉर्मेंस बहुत चौकस हो रही है, वेरी गुड मुन्ना, वेरी गुड, उसके सबसे पहले आंसर दिया है विशु ने, वेरी गुड तुम लोगों की परफॉर्मेंस। चलो आ जाओ, ड्यूरिंग द गैस लीक्स द फ्यूम सीम टू डैश द एंटायर हाउस, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, परकोलेट होगा। वॉट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट, जल्दी से बताओ मीनिंग क्या होती है पर्टिनेंट का, वॉट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट, रेलिवेंट टू द पॉइंट, रेलिवेंट टू द पॉइंट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पर्टिनेंट बोलते हैं। पेनाल्टीमेट का मतलब होता है जैसे मान लो यहाँ पर 5 सेंटेंसेस है, यूजुअली रीअरेंजमेंट में देखो कैसे आता है, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
पेनाल्टीमेट सेंटेंस, पेनाल्टीमेट सेंटेंस, तो इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड लास्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड लास्ट। मान लो 5 सेंटेंसेस दिए गए तो ये पूछेगा हो जाता फॉलोइंग इज द पेनाल्टीमेट सेंटेंस, यानी कि कौन सा इसमें से सेंटेंस सेकेंड लास्ट सेंटेंस है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई तुम लोगों को, यहाँ तक ही कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी डाउट होगा। तो यहाँ पर परकोलेट हो जाएगा आप लोगों का, और आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा है, ड्यूरिंग द गैस लीक द फ्यूम सीम टू परकोलेट द एंटायर हाउस, पूरे के पूरे घर में क्या हो जाते हैं, परकोलेट का मतलब क्या होता है, फिल्टर ग्रेजुअली थ्रू अ पोरस सर्फेस और सब्सटेंस, लगातार वो लोग क्या हो रहे थे, जो फ्यूम्स थे वो भरते चले जा रहे थे पूरे घर में। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 लिखा है, डोंट गेट कन्फ्यूज। क्वेश्चन 19 के बाद ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 20। अब आप लोगों को क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है। 30 सेकेंड्स मिलेंगे, बहुत सोच समझ के आंसर देना यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो जितने स्टूडेंट्स बाद में जुड़े हुए यार लाइक कर दो एक बार जल्दी से। हाँ, बेवफा, कौन बेवफा हो गया भैया? अगर सेशन तुम लोगों को अच्छा लग रहा है तो पहले यार लाइक करने का तो बनता है। हम लोगों को 10 मोर क्वेश्चंस टू वॉच, 10-10 क्वेश्चंस करके ही हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। बिना करे हुए हम लोग नहीं जाएंगे, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दो। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर इमेंस लव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम आप शुरू होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बी 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 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतीश राणा ने सही आंसर दिया, निधि ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, आई गॉट योर आंसर। सबसे पहले आंसर किसने दिया है, दैट आई मिस्ड इट सो आई कैन नॉट से एनीथिंग। चलो यहाँ पर आर क्यू पी जिन्होंने आंसर दिया था, दीपाक्षी शर्मा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीडिंग फोर्सेज अस, फोर्सेज अस टू, टू यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। रीडिंग फोर्स करती है हम लोगों को किस लिए, टू लुक एट वर्ड्स दैट, ठीक है, दैट वी माइट नॉट हैव सीन, ना ही हम लोगों ने देखा होगा और ना ही हर्ड इन आवर लाइफ। सीन लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, और से कनेक्ट है तो आपको पता है आगे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, पेयर बनेगा। क्यू और पी का क्या बनेगा, पेयर बनेगा, बनेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से बोलना, आई विल बी क्वाइट। चलो सबसे पहले आंसर दिया मुन्ना ने, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। वंस अगेन, मुन्ना इज एब्सोल्युटली राइट। सबसे पहले आंसर दिया मुन्ना ने और आंसर दिया है डी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, डी आप लोगों का ऑप्शन होगा। द इंडियन गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू प्लान फॉर, किस लिए, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एंड यहाँ पर पहला किसकी बात कर रहा हूँ, किस लिए, फॉर बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूज कंट्री, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया विकास ने, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे पहले आंसर दिया विकास शर्मा ने, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे पहले आंसर दिया विकास ने और ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, जो सबसे पहले दिया है विकास ने, एब्सोल्युटली करेक्ट। द बर्डन ऑफ, द बर्डन ऑफ, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। द बर्डन ऑफ रेग्रेसिव टैक्सेस, बर्डन की बात कर रहे हो इसलिए यहाँ पर इज लगा हुआ है। द बर्डन ऑफ रेग्रेसिव टैक्सेस इज अनदर इशू, ये दूसरा इशू है, दैट द जीएसटी एम्स टू क्या करने को सोचती है, एड्रेस, एम्स टू रेड्रेस। आई बात समझ में, आई रिपीट, द बर्डन ऑफ
बर्डन ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेस इज, बर्डन की बात कर रहे हो इसलिए यहां पर इज लगा हुआ है, इज अनदर इशू, ये दूसरा इशू है दैट द जीएसटी एम्स टू रिड्रेस, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आराम से करो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, और ये रहा आप लोगों के सामने टाइमर। मेक इट फास्ट। उषा आंसर दोगे तब तो लेंगे। सबसे पहले आंसर दिया है वंस अगेन, सबसे पहले आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है विशु ने, वेरी गुड विशु। उसके बाद विकास, दैट्स करेक्ट विकास, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया तुम लोगों की परफॉर्मेंस, फिर से इन दोनों बच्चों ने सबसे पहले आंसर दिया है, दैट्स ब्रिलियंट। चलो बहुत बढ़िया, चौकस परफॉर्मेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। एज द अर्थ बिकम्स, अर्थ बिकम्स क्या, गर्म, वार्मर, उससे क्या होगा, मोर एंड मोर पीपल जो होंगे आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल डिजीजेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आर पी क्यू, एज द अर्थ बिकम्स वार्मर मोर एंड मोर पीपल आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल डिजीजेस। क्वेश्चन नंबर 24, एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, वेरी गुड। सबसे पहले इस बार आंसर दिया है अंजय ने, आंसर करेक्ट दिया है, वेरी गुड अंजय ने, विकास ने, वेरी गुड। हर बार की तरीके से अंजय की परफॉर्मेंस फिर से एक बार बहुत बढ़िया जाती हुई। चलो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले अंजय ने बताया था इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड करना चाहिए, किस लिए, फॉर गुड हेल्थ के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर अगर आप समय के भीतर कर ले रहे हो, और इनफैक्ट दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व, अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हैं तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में 7 से 8 सेकेंड लगेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पूजा खरे जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड, मोनिका ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड। फिर तपस्विनी ने आंसर दिया है, वेरी गुड देविल। मोनिका ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड मोनिका। उसके बाद तपस्विनी ने आंसर दिया है, वेरी गुड जगदीश, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड। चलो आ जाओ देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, जो कि सबसे पहले मोनिका ने बाजी मारी है उस पर। ऑल द गवर्नमेंट ओन्ड, सारी के सारी जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, क्या चीज़ हैं, गवर्नमेंट ओन्ड प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, कम्स अंडर किसके, पब्लिक सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल द गवर्नमेंट ओन्ड, ऑल द गवर्नमेंट ओन्ड प्रोडक्शन यूनिट्स कम अंडर पब्लिक सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 26, एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डेवलपमेंट, जल्दी से बताओ। दिन क्यों खराब है यार, नेवर माइंड। सबसे पहले अंजय ने आंसर दिया है, दैट एब्सोल्युटली करेक्ट अंजय ने, वंस अगेन चौकस परफॉर्मेंस। उसके बाद मुन्ना ने आंसर दिया है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, जो कि अंजय ने दिया है। और उसके बाद मुन्ना ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड मुन्ना। चलो लिखा हुआ डेवलपमेंट, उसके बाद क्या आना चाहिए, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मीन्स बिकमिंग,
मोर एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। अगर तुम लोगों को सेशन स्टूडेंट्स अच्छा लगा है तो तुम लोगों को लास्ट में 30 क्वेश्चन हम कल भी करवाएंगे, तो तुम लोगों का बस काम ये है स्टूडेंट्स डेली 3 बजे आ जाया करो, 9 बजे आ जाया करो। अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो 3 बजे मिला करो, ठीक है। अगर आसान चाहिए तो आप लोगों को 9 PM पर मिलना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अश्विन जल्दी से आंसर देना, सुमाना जल्दी से, मेक इट फास्ट। नो करेक्ट आंसर्स फ्रॉम योर साइड। वेरी गुड वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया विकास ने, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, विकास ने ऑप्शन नंबर डी। एंड विशु वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया है विकास ने, हमको आंसर मिला है ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन मेजर कॉन्सिक्वेंस जो बता रहा है किस चीज़ को, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अराइजिंग आउट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इज द राइज इन सी लेवल, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 28 एंड फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड विकास, उसके बाद आंसर दिया है वेरी गुड वंस अगेन, वेरी गुड परफॉर्मेंस, विकास की परफॉर्मेंस हर बार की तरीके से बहुत अच्छी, वेरी गुड, तुम सब ने अच्छा अप्रोच करा मेजॉरिटी का। अब देखो तुम लोगों को यहाँ पर ये सीखने को मिला, ये बे इंतहा वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब सबको आता है ये क्वेश्चंस, देखो बट मेरी प्रैक्टिस की कमी है इसलिए कुछ 7 सेकंड में आंसर दे रहे हैं, कुछ 5 सेकंड में आंसर दे रहे हैं, कुछ 8 सेकंड में आंसर दे रहे हैं, कुछ अभी तक कर रहे होंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कम से कम ये इजी क्वेश्चंस तो हम सबसे पहले आंसर दे सकते हैं इसका, तो प्रैक्टिस की कमी है हमारे अंदर। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मेरी बात मान लो एक बार कि प्रैक्टिस के अंदर हमें कमी, ये अगर आप आसान क्वेश्चन में भी टाइम लगा रहे हैं, ये 15 सेकेंड्स वाले क्वेश्चन नहीं है, अगर आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट हैं तो आपको थोड़े से भी अगर, तो 7 सेकेंड से ज़्यादा बिलीव में नहीं लगने वाले, 7 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले, वो भी हमने बहुत बता दिया, ठीक है। तो चलो यहाँ पर करेक्ट आंसर विकास ने दिया था, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एजुकेटिंग वुमेन इज एन एसेंशियल, एजुकेटिंग वुमेन क्या, एजुकेटिंग की बात कर रहे हो इसलिए क्या लिखा हुआ, इज एन एसेंशियल स्टेप टूवर्ड्स स्ट्रेथनिंग द पोजिशन ऑफ वुमेन कहाँ पर, इन द सोसाइटी। क्वेश्चन टू मोर क्वेश्चन टू गो, फॉर दिस योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, हर्ष कुमार ने सबसे पहले यहाँ पर आंसर दिया है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, हर्ष कुमार ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, हर्ष कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी। हर्ष की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, हर्ष की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, इवन अ पुअर पीजेंट, क्या लिखा हुआ है, इवन अ पुअर पीजेंट बात कर रहे हो, विद गुड हेल्थ इज वो क्या है, हैप्पियर है किससे, दैन द रिच पर्सन विद पुअर हेल्थ। क्या कहने का मतलब है, इवन अ पुअर पीजेंट जो है विद गुड हेल्थ वो क्या है, इज हैप्पियर, वो खुश है किससे, देन द रिच पर्सन विद पुअर हेल्थ, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर स्टूडेंट्स तुम लोगों को ये सेशन अच्छा लगे, 30 में से अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि हमने कितना करा है। अगर आप सब लोगों ने 25+ वाले, इसमें कुछ भी नहीं था, वेरी इजी था, और आप लोगों ने 25 विद इन स्टिपुलेटेड टाइम यानी विद इन 30 सेकेंड्स आपने अगर सॉल्व करा है, 25 या 25+ वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी परफॉर्मेंस वेरी
वेरी गुड परफॉर्मेंस है, वेरी गुड परफॉर्मेंस है, और जिनके 28 या 28 से प्लस मार्क्स आएंगे उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, एक्सीलेंट होगी, राइट। और जिनके भी स्टूडेंट्स 20 से 25 आए हैं उनकी परफॉर्मेंस नॉट बैड, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, फेयर है, राइट। बट जिनके 20 से कम आए हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही गिरती हुई है, उनको सुधरने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का लेवल इजी है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आर यू रेडी लास्ट क्वेश्चन के लिए, चलो जल्दी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आप लोगों को बताना है मीनिंग ऑफ मेलेडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलेडी, अभी हमने सेशन में भी आप लोगों को बताया था इसका मतलब क्या होता है, और कल जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं कल हमने एक वोकैबुलरी का सेशन लिया था, अभी स्पेशल क्लास है वहाँ पर, आप लोगों को 80 वर्ड्स याद करवाए थे, तो जल्दी से जाना है, अगर नहीं देखा है स्टूडेंट्स तो देख लो, तुम लोगों के लिए सेशन लिया था हमने, ठीक है। वेरी गुड, विकास के 27 आए हैं, वेरी गुड, 25 प्लस, सुबोध के 25, मधुचंद्रा के 25, फ्री फाइटर के 26, कृतिका वेरी गुड 28, निधिन 26, एनजे 20 to 25 आए होंगे, ओके काउंट तो नहीं बट 20 तक तो सही होंगे, महेश कुमार ओके वेरी गुड, धुरबा 25, वेरी गुड, ब्रिलियंट, आकाश 24, चांद आलम 23, ओके एनजे, ओ हो सबसे पहले आंसर दे दिया, इट्स नन अदर देन द आंसर इज गिवन बाय अंजय हु सेज द करेक्ट मीनिंग विल बी डिजीज। उसके बाद दीपिका ने आंसर दिया है, नीतू कहते हैं 15 आए हैं, नेवर माइंड आकाश 24, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो क्योंकि तुम लोग सच बोलते हो, 18 आए हैं, वेरी गुड, वेरी गुड परफॉर्मेंस। यहाँ पर मेलेडी का मतलब क्या होता है, बीमारी, एलमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं, वेरी गुड परफॉर्मेंस तुम लोगों की। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की, सब लोगों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, चौकस परफॉर्मेंस जिसे हम लोग बोलते हैं, वेरी गुड परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, एलमेंट होता है, इसका मतलब होता है डिजीज। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, 30 क्वेश्चंस आप लोगों को, 30 क्वेश्चंस हैं ये, और आप लोगों के 30 मार्क्स, मेक श्योर दैट यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को 30 में से कितने मार्क्स मिले हैं, जल्दी से कमेंट करके हमको बताना है कि कितने मार्क्स मिले। लेट मी चेक इट आउट, यहाँ पर ऐसा कौन सा स्टूडेंट है, वैसे आज के परफॉर्मेंस, मुन्ना की परफॉर्मेंस जो आज परफॉर्मर है, आज एनजे की परफॉर्मेंस, मुन्ना की परफॉर्मेंस एंड विकास की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, इन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है, ठीक है। चलो यहाँ पे 30 out of 30 वाला देखिए कौन है, प्लीज जल्दी से बताओ, लेट मी चेक इट आउट हु स्कोर 30 out of 30, वेरी गुड, शिवांशु सेज ही स्कोर्ड, शिवांशु ने 29 स्कोर करा है, शिवांशु वेरी गुड, शिवांशु रस्तोगी 29, वेरी गुड, और बताओ 30 out of 30, नो वन 29, ओके साक्षी 28, 26, 29, नवीन के भी 29 आए हैं, दैट इज ब्रिलियंट, ओके आई गॉट अ पर्सन हु स्कोर्ड 30 out of 30 इज नितिन सिंह खचुआहा। नितिन सिंह की परफॉर्मेंस, सब लोग उसके लिए क्लैप करेंगे, उसके बाद सेशन में हम लोग जाएंगे, उसके बाद वेरी गुड, वेरी गुड, और नितिन वेरी गुड, वेरी गुड, 30 out of 30, वेरी गुड। तो स्कोर में हमारे आज के जो क्लास के टॉपर हैं वो हैं नवीन सागर हुसैन की, मैम मेरे भी आए हैं 30 out of नितिन सिंह एंड नवीन, वेरी गुड। चलो स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया, आप लोगों की चौकस परफॉर्मेंस, जिनके आए हैं नवीन सागर वेरी गुड, जिनके 30 out of 30 आए हैं दैट्स वेरी ब्रिलियंट। हाँ तो सबसे आज के जो विनर रहे हैं नितिन वेरी गुड, नवीन जो क्लास में परफॉर्मेंस वाइज जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स रहे वो रहे अंजय, मुन्ना और विकास। आई होप सो शिवांशु और नितिन आप लोगों का स्कोर भी बहुत अच्छा है, और आई कॉन्ग्रेचुलेट चिन्मय, उसको ऑल्सो स्कोर 30th, वेरी गुड चिन्मय। तो स्टूडेंट्स नाउ आई टेक अलविदा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड वर्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, मेक श्योर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ऑल दोज हु आर न्यू मेक श्योर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड इफ यू फील लाइक दैट द क्वेश्चंस वर गुड एंड यू हैव स्कोर्ड वेल, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट फॉरगेट टू hit the like button and you also have to share it and write in the comment section ki aapke score kitna aaya hai, and along with that you can give me suggestions also. Thank you everybody for joining me live, all the very best for your future endeavors, keep learning, keep growing, and thank you everybody for joining me live, thank you, good night, take care.